हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवाल। दिल्ली में अगले 5 साल फिर से केजरीवाल। जनता ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन इस फैसले की गूंज अब दूसरे राज्यों में भी अपना असर दिखाने लगी है। विपक्ष को अपनी जीत के लिए आइडिया मिल गया है और अब विपक्षी नेताओं को यह लगने लगा है कि बीजेपी की हार की शुरुआत हो चुकी है, जो दिल्ली से आगे बढ़ते हुए दूसरे राज्यों तक फैलेगी। सबसे मुखर आवाज शरद पवार और तेजस्वी यादव की इस वक्त सुनाई दे रही है। दोस्तों, ये एक नई किस्म की राजनीति है, एक नई किस्म की राजनीति की आज शुरुआत हो रही है। ये देश के लिए बहुत शुभ चीज है, ये देश के लिए बहुत शुभ संदेश है और यही राजनीति हमारे देश को 21वीं सदी में ले जा सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का ये विजय मंत्र न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश में भी गूंजने लगा है। 70 में से 62 सीटों पर कब्जा जमाने के बाद केजरीवाल जब पार्टी दफ्तर पहुंचे तो वहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ थी। इस उत्साह को केजरीवाल ने हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली में नई राजनीति को जन्म दिया है और अब यही राजनीति न सिर्फ राजधानी बल्कि देश को भी आगे ले जाएगी। दिल्ली में बीजेपी पर आम आदमी पार्टी की जीत के बाद अब दूसरे राज्यों में भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल के नेताओं को नया रास्ता दिखाई देने लगा है। दिल्ली के नतीजों से दूसरे दलों को भी लगने लगा है कि वो अपने राज्यों में भी बीजेपी को हरा सकते हैं। मतलब दिल्ली में केजरीवाल की बंपर जीत के इफेक्ट से बीजेपी लहूलुहान है तो दूसरी विपक्षी पार्टियों को मिली नई जान है। महाराष्ट्र में शरद पवार की उम्मीद जग गई है तो बिहार में आरजेडी के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अनेक वर्ष तिथे भाजपचं राज्य होतं, त्या सगळ्या राज्यामध्ये भाजपचा पराभव झालेला आहे आणि त्यामुळं ही पराभवाची मालिका सुरू झालेली आहे। तेव्हा आता कुठं थांबेल असं वाटत नाही। फक्त आम्हा लोकांची जबाबदारी ही आहे की लोकांना स्टेबल आणि विकासाच्या कामाला प्रोत्साहन देणार आहे। पुणे में बोलते हुए शरद पवार ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि बीजेपी की हार का सिलसिला दिल्ली में ही खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि ये भी कहा कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ है वैसा ही दूसरे राज्यों में भी होगा। किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र येऊन लोकांना पर्याय द्यायची भूमिका घेतली, लोक पाठिंबा द्यायची, लोक बीजेपीला फेकून द्यायची आणि जे व्हा असं झालं आणि तसंच लोकांचं व्हावं अशा प्रकारची भावना अन्य राज्यात सुद्धा आहे। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ 3 दलों की गठबंधन सरकार बनाने में शरद पवार की अहम भूमिका रही थी और अब दिल्ली में बीजेपी की करारी शिकस्त के बाद उन्हें दूसरे राज्यों में भी भविष्य में ऐसी ही तस्वीर आने लगी है। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली में बीजेपी की हार से आरजेडी को बिहार में जीत की आस जगने लगी है। तेजस्वी यादव का दावा है कि लगातार हार से बीजेपी को हराना अब और आसान हो गया है। उनकी आइडियोलॉजी सही नहीं है, वो चाहते हैं आरएसएस के एजेंडे को लागू करना और नफरत की राजनीति करना, तोड़ने की राजनीति करते हैं। तो आप देखिएगा लगातार चुनाव पे चुनाव जो है हार रही है और जिस प्रकार का काम केंद्र सरकार कर रही है आप देखिएगा पूरी तरीके से जनता जो है परेशान है। हालांकि पहले भी कुछ राज्यों में बीजेपी की हार के बाद विपक्ष का मनोबल ऊंचा हुआ था। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी और उसके बाद भी ऐसी ही हवा चली थी कि बीजेपी को हराने का नया मंत्र मिल गया है, लेकिन विपक्ष के लिए उसके नतीजे बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहे। हालांकि केजरीवाल की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद एक बार फिर विरोधियों को वैचारिक स्तर पर नया आइडिया दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन उसकी सफलता की गारंटी फिलहाल कोई नहीं दे सकता है। पुणे से पंकज खेलकर और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के हैरान करने वाले नतीजों के बाद अब बिहार में आरजेडी ताल ठोक कर कहने लगी है कि अब की बार नीतीश कुमार भी साफ। पटना में आरजेडी और जेडीयू में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। उधर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को भी लगने लगा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू का पत्ता साफ होने वाला है। वैसे केजरीवाल की योजनाओं से आइडिया बिहार के मंत्रियों को भी मिलने लगा है। भारत माता की, इंकलाब,
दिल्ली में बम्पर जीत से आम आदमी पार्टी बम बम है, केजरीवाल गदगद है और राजधानी में अगले 5 साल के लिए आपकी सरकार फिक्स हो गई है। यूं तो नतीजे दिल्ली के हैं, लेकिन इसका असर दूसरे राज्यों की सियासत पर अभी से दिखाई देने लगा है। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया। जीत केजरीवाल को मिली है, लेकिन इस जीत के सहारे विपक्ष को अपनी जीत की उम्मीद नजर आने लगी है। रुख करते हैं बिहार का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनावी जीत के बाद अब सबकी नजरें इसी साल के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। केजरीवाल की जीत से उत्साहित होकर बिहार में आरजेडी ने एक बार फिर से पोस्टर वॉर छेड़ दिया है और जेडीयू के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पटना में आरजेडी की तरफ से कई ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसकी पंचलाइन है 2020 नीतीश कुमार फिनिश। और एक बार फिर पोस्टर के जरिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है। आप ये देख सकते हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर एक पंच लाइन जिसे कह सकते हैं उसमें है कि 2020 नीतीश कुमार फिनिश। इसी तरीके का जो मंत्र है वो लालू यादव ने भी कुछ दिन पहले दिया था कि 2020 हटाओ नीतीश, और इसी को लेकर अब देख सकते हैं किस तरीके से इस पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है। देखिए, जो खुद विलन ऑफ बिहार हो, हम लोगों ने तो कहा है कि विलन ऑफ बिहार जिनको, तो वो हमें ठग बता करके, हमें गाली दे करके, लालू प्रसाद जी को, राष्ट्रीय जनता दल को गाली दे करके ही वो 14 वर्षों से सत्ता में बने हैं। तो किसने जनता को ठगा, अब तो जनता सब देख रही है। आरजेडी ने तो अभी से ही बिहार चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी ने पटना में पार्टी का नया स्लोगन भी लॉन्च कर दिया, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आज से हमारा जो मुहिम है तेज रफ्तार की तेजस्वी सरकार। शुरू से हम लोग का सोच रहा है कि जो गरीब गुरबा है, जो पिछला जो अंतिम पैदान में जो व्यक्ति है उसको किस तरीके से उसको आगे लाना है। सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को भी केजरीवाल की जीत में अपनी जीत दिखाई देने लगी है। पप्पू यादव ने न सिर्फ केजरीवाल को जीत की बधाई दी बल्कि गाना गाकर मनोज तिवारी का मजाक भी उड़ाया। लखनऊ से बोला तनी समाचार बार, मोदी से कही दी जोगी बीमार बा, भारत के जनता बचा ले लियो हनुमान के कृपा बना ले लियो। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में केजरीवाल की जीत से सिर्फ विपक्ष को ही आइडिया मिला है। बिहार के कृषि मंत्री भी अब केजरीवाल की फ्री प्लान पॉलिटिक्स को दोहराने की जुगत में हैं। क्या पता दिल्ली में आपके आइडिया से बिहार की सरकार का भला हो जाए। हालांकि मंत्री जी ये भी दावा कर रहे हैं कि हम तो पहले ही बहुत कुछ फ्री में दे रहे हैं। दिल्ली चुनाव का पहले जब चला रहे हैं, हम राज्य के किसानों को बीज में हो, खाद में हो, दवा में हो, कृषि यांत्रिकरण पर हो, सब में अनुदान दे रहे जाकर। उसके अलावा मत्स्य योजना हमारी है, शिक्षा के क्षेत्र में जाकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। मतलब यही हुआ कि दिल्ली में केजरीवाल की जीत से न सिर्फ विपक्ष की आस जगी है बल्कि सत्ता पक्ष के दिमाग की बत्ती भी जली है। अब कौन इसे कैसे इस्तेमाल करता है और उसे कितना फायदा होता है, इसके लिए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। पटना से रोहित सिंह और हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में करारी शिकस्त के बाद से बीजेपी बेहद परेशान है। ऐसी हार की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी, लिहाजा अब आगे की तैयारी के लिए पार्टी ने नया प्लान तैयार किया है। बीजेपी एक नए अभियान से घर घर तक पहुंचने की योजना बना रही है जिसे नाम दिया गया है हर काम देश के नाम। इस अभियान के तहत बीजेपी केंद्र के कामों को और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएगी।
पार्टी को उम्मीद है कि इस अभियान से उसका सियासी भविष्य जरूर सुधरेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी में खलबली मच गई है। देश पर राज करने वाली दशकों पुरानी पार्टी को कुछ साल पहले बनी पार्टी ने सियासी अखाड़े में धूल चटा दी। बीजेपी के नेता निशब्द हैं, हैरान हैं। दिल्ली में हार की हताशा से अब बीजेपी उबरने की कोशिश में है, राजनीति के रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश में है, क्योंकि अभी दिल्ली की लड़ाई हारे हैं, आगे दूसरे राज्यों में सियासी चढ़ाई की बारी है। बीजेपी ने इसकी तैयारी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीधे जनता से जुड़ने का फैसला किया है। जी हाँ, लगातार विधानसभा चुनाव में मिल रही हार के बाद अब केंद्र सरकार बड़े तरीके से सक्रिय हो गई है। केंद्र ने मोदी सरकार के जन उपयोगी कामों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान का नाम हर काम देश के नाम दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही मंत्रालय के अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि अपने मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा तैयार करें। हर काम देश के नाम अभियान 15 फरवरी से 31 मार्च तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सरकार के जनहित के कामों को टीवी, समाचार पत्र और डिजिटल माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी। तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जनता ने प्रचंड जीत का तोहफा दिया है। अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चलते हुए पूरे देश में अपने काम और योजनाओं को जनता तक सही तरीके से पेश करने की कोशिश करेगी। इसी साल आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव है और अगले साल बंगाल की लड़ाई है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी दोनों राज्यों में जनता के सामने अपने काम और योजनाओं के बही खाते के साथ पहुंचेगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।